तो कहाँ है तेरे को? चाबी नहीं गाड़ी की। चाबी मिल गई उसकी? नहीं चाबी नहीं है, गाड़ी नहीं मिल रही। नहीं वो होंडा सिटी। मैं आ गई हूँ घर पर और ये एंगेजमेंट के बाद मैं दूसरी बार आ रही हूँ और एज यूजुअल सबसे पहले मैं जाऊंगी सिर्फ दीदी के रूम में क्योंकि वही है मेरी फेवरेट, मगर वो है नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। अब मैं जाऊंगी ऊपर ऊपर देखने कि कौन कौन है, क्योंकि दीदी के बाद मैं जाती हूँ मॉम डैड के रूम में, उसके बाद लखन के रूम में। तो मॉम डैड के रूम में बंद है रूम, पहले मैं जाती हूँ लखन के रूम में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे जैसे कि मेरा। और अभी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, दिन की शुरुआत करनी है, आज अनबॉक्सिंग करनी है, बहुत सारे प्यारे गिफ्ट्स आए थे। और देखिए आज जो यश ने शूज़ भिजवाए थे ना, उसका तीसरे नंबर वाली का आज दिन आ गया फाइनली, क्योंकि और मैं पहन नहीं पाया एंगेजमेंट की वजह से फॉर्मल। आज मैं दोबारा अपने अवतार में आ चुका हूँ क्योंकि फॉर्मल्स बहुत ज़्यादा पहनना पसंद नहीं है, बड़ी अजीब सा लगता है, मतलब ना फ्रीडम एकदम से खत्म हो जाती है हमारी। और अब मैं हूँ एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स में। आज के दिन की शुरुआत, पहले मुझे जो मार्शल आया था ना बड़ा वाला जो आप सबने देखा था व्लॉग में, उसको शिफ्ट करना है बिकॉज इस घर में कहीं मतलब जगह है नहीं ऐसी जहाँ उसको मैं सेटअप कर सकूँ। तो मैं सोचा उसको नीतू घर पर सेटअप करूंगा, वैसे भी आधा दिन मेरा वहीं निकलता है गाने और मार्शल पे चला चला गाने वहाँ भी सुनता रहूंगा, एंटरटेनमेंट होता रहेगा, तो उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं अभी। तो ये मंगा लिया इसका डब्बा और ये रखा मार्शल, अब इसको इसके अंदर रखता हूँ, अकेले तो रख नहीं पाऊंगा, किसी को बुलाता हूँ हेल्प के लिए और फिर इसको लेके चलते हैं नीतू के पास। ममता दीदी आई हमारी हेल्प करने, ममता दीदी इसको उठवा दो थोड़ा सा ना। हाँ भैया, इसको इसको एक बार खोल दो, मैं इसको उठा के इसमें रख दूंगा, ठीक है। इसका चार्जर ले ले, बस ये मैंने रख दिया है, ये गत्ते से ना इसको कवर कर देंगे। और ये रख गया हमारा मार्शल, इसका चार्जर, ये केबल ऐसी, बस अब मैं इसमें लेके चलता हूँ। तो चलते हैं अब नीतू के घर, सब पैकिंग डन, अब उधर मिलते हैं। ठंड बहुत है यार, इसके ऊपर कुछ जैकेट भी ले लेता हूँ बिकॉज इसमें तो ठंडा तो बहुत ही लगेगी, वरना ये वाली या ये ले लेता हूँ क्योंकि घर पर ये मेरी फेवरेट, ऐसी वैसे मेरे पास दो तीन और हैं। साथ ही मैंने लिया है ये रैपर, अगर हम रैपर फेक दें किसी नई चीज़ का तो फिर हम इंडियन ही कैसे, उसको कुछ ना कुछ इसको किसी यूज़ में लाऊंगा, लेके चलता हूँ उसको भी। एक और चीज़, ये अभी तक गाड़ी में पैकेट रखा हुआ है जो सूरज लेकर आया था मेरे लिए। सचिन भाई इसको अंदर रख लो पैकेट को, इसके अनबॉक्सिंग शाम में करेंगे सबके एक साथ। और ये देखो मेरे पीछे हमारे दो और मेंबर बैठे हुए हैं, कल तो इनके मज़े आ गए, बहुत कुछ मीठा मीठा खाया इन्होंने, इनको मीठा हम ज़्यादा देते नहीं है कल इन्होंने, लेकिन बहुत खाने को मिला। और ये देखिए कौन आई है नीचे, नीचे आई है हमारी कली। कली आज तो बहुत प्यारी लग रही है, प्लेट्स रेडी है यहाँ पर, वो सब खाने का इंतजार है। और ये अभी इस वाले रूम में रखवा दिया, अभी इसको सेट करते हैं, पहले कुछ खा लूं बिकॉज बहुत भूख लग रही है, अब जल्दी से खाऊंगा उसके बाद सारे काम करूंगा। और मेरे लिए खाना बनाया मेरी सास ने। अरे सास कहाँ है मेरी? सास को सांस नहीं आ रही आज, इतना काम दो। अच्छा एक बात है यार, ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होता है ना, सॉरी ग्रे 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 ब्लैक और ग्रे का, नहीं नहीं ग्रे और पिंक का अच्छे लग रहा। मेरा खाना पूरा हो गया और अब मैं से स्कूल गर्ल को पकड़ के लाया हूँ, ड्रेस तो देखो बढ़िया स्कूल ड्रेस वाली ही पहनी हुई है, ठीक है लेकिन अच्छा। अब हम करते हैं इसके बॉक्सिंग, मैन अब इसको उठवाओ, खाना तो खा लिया मैं इसलिए पहले खिला पिला लिया ताकि कोई बहाना ना मारे, इसे गिरा मत देना बहुत बड़ा नुकसान होगा, दोबारा दोबारा गिफ्ट आएंगे नहीं, ऐसे याद रखना। ऐसा ऐसा ना मौका कभी कभी लगता है, यहाँ से खोलेगा नीतू को बुला, नीतू नीतू को भी उससे भी करवाते हैं अनबॉक्सिंग। नीतू आ जा, अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, मैं सोच रहा था इसको उसी से खुलवाऊंगा गद्दी से। नीतू जल्दी आ, मैं ये रखो, ये जिसका चार्जर है यार, ये हटाओ ना यहाँ से, क्या रखा हुआ है, ये खुलवा ले तू, कहाँ है तेरे को? तो ये तो खुलवा ले, मिल जाएगी, तू तो रख के बोलती हर चीज, आ जा। नहीं मैं बहुत, मैंने बहुत ढूंढे, तो नहीं तो दो मिनट आया फिर मैं भी ढूंढा दूँ, आ जा। अरे यार आ जा ना, ढूंढती रही, आ जा जब से अनबॉक्सिंग करा ले इसकी, चाबी चाबी तेरी रोज होती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्रो 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 आओ, ये देखिए अब इसको हम निकालेंगे, ब्रो आप ये पकड़ो मैं निकाल दूंगा अपने आप। ओके यस वाओ, पर बहुत बड़ा है। ओके अब इसको कनेक्ट करते हैं, सुनते हैं कहानी, बाकी सब काम खत्म हो गया, अभी मैं कुछ अपनी फाइल्स ट्रांसफर कर रहा हूँ क्योंकि दो तीन दिन से एक शूट मेरा अटका हुआ था, वो आज मैंने जैसे से निपटाया है। और यार ठंड काफ़ी बढ़ गई है, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं क्योंकि दिसंबर चल रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठंड को हम, और वो मुझे करना भी चाहिए, तो अभी मैंने थोड़ी जैकेट डाल दी है। ये काम निपटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ घर का हाल और आज गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, बस ये काम से निपट जाऊँ मैं। तीन बार वीडियोज़ रिजेक्ट हो गई हैं, मैं कितनी वीडियोज़ बनाऊँगा,
और बहुत छोटे छोटे इश्यूज की वजह से रिजेक्ट हो रही है वीडियोस। कभी वो बोलते हैं कि आप ट्राईपॉड पे बनाओ, कभी बोलते हैं कैमरा शेक कर रहा है, ट्राईपॉड पे बनाता हूँ तो आउट ऑफ फोकस हो जाता है, क्योंकि नीतू कोई प्रोफेशनल कैमरामैन तो है नहीं, थोड़ा बहुत आता है उससे, वो पूरी कोशिश कर रही है, पता नहीं यार ये ब्रांड्स भी ना ठीक है। लेकिन अब यहाँ से बस काम खत्म करने का वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से उनका यस आ जाए, ओके आ जाए, फिर मैं दूसरे काम में लगूँ। मार्शल लगा लिया, अभी तो एंजॉय भी नहीं कर पाए, गाने भी नहीं सुने अभी ढंग से। क्या हो गया गाइस, क्या खा रहे हो? पता नहीं क्या खाते रहते हैं यार तीनों चारों, और ये भी फाइनली अभी उन्होंने होल्ड पे रखने के लिए बोला है। अब मैं जाता हूँ नीतू को जगाने, वो बेचारी जब से चाबी ही ढूंढ रही है, 2 घंटे हो गए ये है कहाँ, क्योंकि चाबी कहाँ चली जाएगी घर से यार। वैसे ना इसको आदत है, इसकी चीज़ें गुम होती रहती है, मतलब वो कोई नई बात नहीं है, वो आम बात है नीतू के लिए। नीतू आंटी, नीतू कहाँ है? अंदर चाबी मिल गई उसकी? नहीं यार, एक सच में दिक्कत हो गई है मेरे को, मेरी गाड़ी की चाबियाँ नहीं मिल रही। एक गिफ्ट मेरे दोस्त विशाल चौधरी ने दिया है, मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड था, आया उस दिन बड़े जल्दी में था, कमीना निकल गया जल्दी से, इसको मैं बताऊंगा। मिलेगा तो सही ना विशाल, तू व्लॉग तो देख ही रहा होगा मुझे पता है। बेटा तू मिल किसी दिन, तुझे मैं बताऊंगा, जितनी जल्दी तू भागा है ना वहाँ से बिना मिले। सिर्फ गिफ्ट पकड़ाने आया था क्या सिर्फ मेरे को? और ये क्या, मुझे खेलना भी नहीं आता, ये इसमें ताश वाश के पत्ते दिख रहे हैं मुझे कुछ, अभी सीखूंगा खेलना, ताश तो नहीं कुछ और ही होगा मुझे पता है। जस्ट अभी जिसका फ़ोन आया था, कोई नीचे जो हमारे गार्ड बैठते हैं ना, गार्ड भैया, उनका फ़ोन आया था, क्योंकि नीचे कोई मिलने आया है जहाँ पर नीतू पहले रहती थी ना, वहाँ से कुछ प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए मिलने, शायद विशेष दिन आए होंगे एंगेजमेंट की, तो हम जाके पहले जरा उनसे मिलते हैं। और हमारे कुछ पुराने फ्रेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके आने से ना, और मुझे उम्मीद थी कि सब लोग आओगे, बिकॉज मैंने सबको बोल गया था, फिर फॉर्मेलिटी वाली बात होती है, पर्सनली एक एक करना, मैंने सबको इन्वाइट किया था, अल्टीमेटली नहीं बोल कर गया था मैं उधर आकर बोल कर गया था, पूछना वो कौन है जो छोटा सा बच्चा ना लंबे बालों वाला आगे बिखरे रहते हैं, आप उन्हें सबको इनवाइट कर गया था, आप पूछना फिर लड़ना उससे आज जाके, वो सब मिले थे मुझे, भाई आगे मैसेज कन्वे नहीं किया और ऐसे कैसे चले गए यार। आना चाहिए था, गलती आप लोगों की है, आप अपना नहीं मानते क्या? आगम बेटा व्लॉग देख रहे हो ना, गलती है तुम्हारी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये लोग बहुत स्वीट हैं और हमेशा आते हैं, हमेशा मिलते हैं, बहुत सारी विशेस देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। भाई आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, चाबी नहीं है, गाड़ी नहीं मिल रही, ये पार्किंग वाला एरिया है और यहाँ पे नीतू गाड़ी नहीं है। नीतू कहाँ खड़ी की थी यार? तूने नीचे तो नहीं लगाई पार्किंग में, बेसमेंट में? नहीं बेसमेंट में तो नहीं लगाती। कहाँ है? सुन नहीं वो होंडा सिटी नहीं तो ऐसा तो नहीं है, देख तूने मेरे घर ही खड़ी कर दी हो, एक बार मैं ड्राइवरों से पूछ लूँ चल के, क्योंकि चाबी और गाड़ी दोनों ही नहीं है ना, मैं भी चल रही हूँ, तो वहीं होगी वो, चलो उधर चल। मुझे सच में याद नहीं है मैंने कहाँ पार्क की थी, क्योंकि मैं थोड़ा ये इतना... तो घर पर ही होगी, तू यार थोड़ी सेंस वाली बातें किया कर ना, जब चाबी भी नहीं गाड़ी भी नहीं उसमें वहाँ खड़ी है, और तुझे ये तू अपनी कमाल की बात ये देख कि एक दिन हो गया तेरे को आज याद आ रही है गाड़ी की चाबी नहीं है, क्योंकि मैं आज ड्राइव कर रही थी तो मुझे मेरे को एक ही गाड़ी की चाबी मिली दूसरी नहीं मिली, तो इसलिए मैं देख यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे घर नहीं तो भाई जब या तो सुनिए तो चाबी मिसिंग होती गाड़ी में खड़ी हुई तो टेंशन वाली बात थी, गाड़ी भी नहीं चाबी भी नहीं इसको ना घर पर है और कौन लेकर जाएगा, देखो और टेंशन हो रही यहाँ पर तो मुझे नहीं, इस गाड़ी के हो सकता है इस गाड़ी के पीछे हो, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी है यार, लगन क्या हुआ यार, यहाँ तो ये खड़ा हुआ ट्रक जाएगी नहीं गाड़ी, ये रेड वाली तो मेरी गाड़ी खड़ी है, बाकी तो लखन सचिन भैया नीतू वाली वो कहे होंडा सिटी बेसमेंट में खड़ी कर दी क्या? मैंने खड़ी नहीं करी लेकिन वहीं पर होगी। अच्छा क्योंकि वहाँ भी नहीं है, मैंने सोचा यहाँ होगी, यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ होती तो मेरे दिमाग में तो होती कम से कम, इधर भी नहीं है। नहीं वो तो बहुत दिनों से 2-4 दिन हो गए, 2-4 दिन क्यों, उस दिन तो थी ना एंगेजमेंट वाले दिन, हाँ 15th को तो थी, मैं आई थी ना जब 15th को आई थी, पता नहीं हाँ एंगेजमेंट वाले दिन नहीं थी यहाँ पर, थी ना एंगेजमेंट वाले दिन, ये उसी में तो घूम रही थी एंगेजमेंट वाले दिन, जब टेंट वेंट लग रहे थे ना, बेसमेंट में देखनी पड़ेगी, कहाँ बेसमेंट में, रुको चलते हैं अभी, एक बात बताओ अगर बेसमेंट में होती तो चाबी उसकी या तो वहाँ होती है यहाँ होती, उसकी वहाँ तो चाबी भी नहीं है, अंदर एक बारी देखते हैं घर पर, देखते हैं एक बार अंदर, देख चाबी वाली टोकरी दिखाना, मुझे लग रहा है इसमें होगी, इसमें यही चाबी है और नहीं है जी, इस समय यही है,
तो उधर देखो ना अपने डैड को, क्या क्या पता देख लिया, हर जगह देख लिया, होगी होगी झूठ बोल लियो, हम यहाँ पर टेंशन में गोली झूठ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर नहीं यार, दो दिन से तो मैंने नहीं देखी गाड़ी, मुझे क्या पता कहाँ है, टोकरी में मैंने चेक कर लिया उसमें भी कोई चाबी नहीं मिल रही ना, यहाँ पे भी नहीं है तो दो दिन से, अभी तो वो अभी तभी आ गए, टेंशन हो रही है।